धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसका संबंध सिर्फ धर्मांतरण से नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने मतहतों को लिखे गए पत्र की ओर भी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित गतिविधियों को लेकर के जो पत्र लिखा गया है, वह बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की स्थिति भयंकरता को साफ इंगित करता है। महोदय जी, मैं देश के गृह मंत्री जी से जी के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहती हूं कि जिनके द्वारा लगातार बस्तर की हिंसक गतिविधियों को मार्केटिंग किए जाने के फलस्वरूप बस्तर की हिंसात्मक गतिविधियों में कमी आई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के दबाव के फलस्वरूप नक्सली अब बैकफुट में हैं, किंतु नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक ये ईसाई मिशनरियों हैं, जो छत्तीसगढ़ के भोले भाले वनवासियों को लालच देकर एवं भय दोहन करके धर्मांतरण करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाकों में कई जगह प्रार्थना गृह बनाने का काम चल रहा है। माननीय महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के वनवासी बाहुल्य रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जसपुर क्षेत्र से आती हूँ। हमारा जसपुर जिला पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्मांतरण का दंश झेल रहा है। माननीय महोदय, मैं इस क्षेत्र से हूँ जो क्षेत्र स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे जी एवं बाला साहब देश पांडे जी का कर्मस्थली रही है। कुमार दिलीप सिंह जुदे जी संसद के दोनों सदनों में सदस्य थे। उन्हें धर्मांतरण के विरुद्ध आजीवन लड़ाई लड़ती रही तथा हिंदू धर्म को छोड़ चुके लाखों परिवार को मिशन घर वापसी के माध्यम से पुनः अपने धर्म से वापस लाया। महोदय, कुमार दिलीप सिंह जुदे जी का एक ध्येय वाक्य होता था कि धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण एक सिक्के के दो पहलू है। जहां धर्मांतरण होता हुआ है, वहां राष्ट्रांतरण बली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहते हूं कि उक्त मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाया जाए और उनके विरोध कोई कड़ा नियम बनाया जाए कि धर्मांतरण करने से लोग।